हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेल्कम टू एटीपी स्टार। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइस, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो फॉरेन ऑथर की अच्छी अच्छी किताबें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप सभी जानते हो कि उनको पढ़ना चाहिए, राइट? लेकिन इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं कई सारी, उनमें बहुत सारा कंटेंट होता है, कैसे पढ़ सकते हैं यार उनको? इतनी मोटी मोटी किताबें कोई कैसे पढ़ता होगा? तो बहुतों को इस तरह के शंकाएं होती होंगी। पहली चीज तो बुक्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी होती हैं, लेकिन सब अच्छी हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब में घुस जाओ, क्योंकि सिर्फ बुक को टच करना नहीं है अपने को, जो भी पार्ट पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज भी करना होता है, राइट? तो इसी प्रोसेस के लिए हमें लिमिटेड बुक्स, 1-2-3 मैक्स बुक्स में से सेलेक्टिव पार्ट पढ़ना होता है। नाउ दिक्कत कहां पे आती है कि वो सेलेक्टिव पार्ट हमें पता नहीं होता कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और उस कारण बहुत दिक्कत आती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भाई कैसे उसको पढ़ा जाए, इन बुक्स को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक, पीटर साइक्स ओरिजिनल वर्जन, नॉट द इंडियनाइज्ड वर्जन। अब कैसे क्या चीजें इग्नोर करनी होती हैं, क्या करना होता है, मैं बता देता हूं। जैसे अगर हम पीटर साइक्स की बात करें तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्टेंट्स देख लेने चाहिए, ठीक है? जो भी पढ़े कॉन्टेंट्स के हिसाब से देखिए। कॉन्टेंट्स में कई बार बहुत डिटेल में भी दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे तो ये चैप्टर का नाम है, पर अंदर डिटेल में दिया हुआ है इस किताब में कि हर एक चैप्टर में के अंदर कंटेंट्स कौन कौन से, ठीक है? तो पहली चीज, जेई एडवांस का सिलेबस जो है वो सामने रखिए जेई एडवांस का सिलेबस, उससे आपको क्लैरिटी रहेगी भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यानी सबसे पहली चीज जो है, अगर हम स्टार्ट करें जीओसी से और उसके बाद हम रिएक्शन वाले पार्ट पे जाएं, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो हमारे ग्रेजुएशन वाले पार्ट में तो होती है लेकिन हमारा जेई एडवांस में वो नहीं होती, ठीक है? जैसे स्टोब्स रिएक्शन है, माइकल एडिशन रिएक्शन है, डील सेल्डर रिएक्शन है, नोवेंजल रिएक्शन है, रिफोमैट्स की रिएक्शन है, बहुत सारी इस तरह की रिएक्शंस हैं जो ग्रेजुएशन में होती हैं, तो इन बुक्स में भी दी हुई हैं। तो पहली चीज तो उस तरह की रिएक्शंस से आपको दूर रहना है। बहुत सारे ऐसे रिएजेंट होते हैं जैसे LiLH4 तो हमारे सिलेबस में है, लेकिन LiLH4 के बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, और भी वेरिएशंस होते हैं, राइट? तो इतने सारे रिएजेंट होते हैं, कितने करोगे, समझ रहे हो तुम? तो पूरी बुक्स करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना? तो पहली चीज तो स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस करो और वो रिएक्शंस आपको यहां से नहीं पढ़नी है। अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि वेरियस बुक्स में कई सारे अलग तरह के चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि यहां पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर देखेगा आपको सिमेट्री कंट्रोल्ड रिएक्शंस को आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, यानी पीटर साइक्स में पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट जो है वो रिएक्शंस का बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है? बहुत सारी थर्मोडायनेमिक डेटा दी हुई है, तो आपको डेटा के अंदर डीप में नहीं जाना है, ठीक है? कि डेटा कैसे आई, क्या हुआ, आपको बस डेटा से कंक्लूजन क्या निकला वो आपको देखना है एट मैक्स, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती हैं, जैसे मैं और बताता हूं आपको, तो बहुत सारा थर्मोडायनेमिक डेटा है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका कंक्लूजन समझिए कि उस थर्मोडायनेमिक डेटा से जो ऑथर है वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो दो तीन तरह की होती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इंफ्रारेड होती है, उसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, NMR होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ग्रेजुएशन में होती है, यानी जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था उस समय सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, राइट? लेकिन IIT JEE एडवांस में वो चीजें आती नहीं है। तो बहुत जगह आपने वो फ्रीक्वेंसी वाले कर्व्स देखे होंगे, है ना? बहुत बार जैसे कई अच्छी अच्छी बुक्स में फ्रीक्वेंसी वाले कर्व्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ फंक्शन ग्रुप दिया होता है, तो वो सब आपके लिए बिल्कुल भी अभी वैलिड नहीं है, मतलब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई आपको? उसके अलावा जैसे कि कई चैप्टर्स और भी होते हैं जो हमारे किसमें होते हैं, जो हमारे ग्रेजुएशन में होते हैं, जैसे कि एनर्जी, एनर्जेटिक्स, काइनेटिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैकेनिज्म्स। भाई मैकेनिज्म्स कैसे आते हैं, ठीक है? वो पूरा चैप्टर होता है जो ग्रेजुएशन में होता है ना, कि मैकेनिज्म्स किस तरीके से होते हैं, राइट? सिमिलरली जो आइसोटॉपिक इफेक्ट है वो भी बहुत डेप्थ में होता है, समझ रहे हो ना? यानी सेकेंडरी भी होता है, प्राइमरी भी होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भाई जो ग्रेजुएशन वाली चीजें हैं और जो जेई एडवांस की चीजें हैं उनमें आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको साफ साफ दिख जाएगा। क्योंकि देखो कोचिंग में तो आप पढ़ ही रहे हो, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ATP स्टार के स्टार बैचेस में पढ़ रहे हैं, तो वहां मैं आपको बता ही देता हूं कि भाई क्या चीजें सिलेबस में है क्या नहीं है। जो नहीं है वो आपको ऑब्वियसली नहीं पढ़नी है, है ना? मतलब मैं खुद IIT क्रैक कर रखी है, इतने सारे स्टूडेंट्स टॉप रैंक पे जा चुके हैं, राइट? तो फिर जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्लियरली फॉलो करना है, सिंपल सी बात है, राइट? तो अगली चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत बार क्या होता है, कुछ बुक्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन का एक MOT का एक्सप्लेनेशन है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो MOT
का एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने को डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक चीज का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेनेशन है। जैसे किताब है वॉरन क्लेडन वोदर्स, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर बुक है उस बुक के में अगर हम बात करें तो उसमें हर चीज का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पर हर चीज के MOT के अंदर आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली वो रिएक्शन कैसे हो रही है। तो होपिंग दैट यू अंडरस्टूड कि आपको जो बहुत सारा डेटा दिया जाता है उसका यूज नहीं है। आपको बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में होते हैं वो आपको नहीं पढ़ने होते हैं। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो उसमें करवाई जाती हैं लेकिन आपको वो रिएक्शंस नहीं करनी होती है। तो आपको मैकेनिज्म्स को अंडरस्टैंड करना है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है वो आप ट्राई कर सकते हो, राइट। और बस मैं रिकमेंड करूंगा कि एक या दो बुक जो आपके टीचर्स रिकमेंड करें, जैसे मैं पर्टिकुलरली एक तो पीटर साइक्स रिकमेंड कर देता हूं और एक PY ब्रूस है वो रिकमेंड कर देता हूं, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो मेरी जो खुद की किताब है वो आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग बुक्स में इश्यूज थे उन इश्यूज को रिमूव करके मैंने मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई थी, राइट। तो बहुत सोच समझ के बनाई है, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट्स का अननेसेसरी में टाइम वेस्ट ना हो और परफेक्टली वो रिलेवेंट रहे, यानी जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे स्टूडेंट्स को मिले। ओके गाइस, सो होपिंग दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से इन बुक्स को अप्रोच करना है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।